नमस्कार, राजगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं विश्व विख्यात तबला वादक अनिंदो चटर्जी जी से, और कल हमने बातचीत की थी उनके शुरुआती सफर के बारे में और साथ ही साथ उनके गुरु ज्ञान प्रकाश घोष बाबू के बारे में। आज बातचीत करेंगे उन कलाकारों के साथ जुड़ी उनकी यादों पर जिनके साथ उन्होंने की है संगत और जिसमें शामिल है एक से बढ़कर एक नाम। भारतीय संगीत में तो जितने महान कलाकार हुए हैं उन सबका बड़ा स्नेह मिला है आपको। आप रवि जी की बात कर लें, अली अकबर खान साहब की बात कर लें, रईस खान साहब की बात कर लें, गंगूबाई हंगल जी की बात कर लें, सबके साथ आपका बजाना हुआ है। ऐसे ही कुछ यादें जैसे अभी आपने निखिल दा की शेयर की, उन लोग की भी शेयर करिए तो उनको भी समझने की एक नई खिड़की खुलेगी। फनी इंसिडेंट तो बहुत हुआ, बहुत बहुत हुआ। बताइए तो, कुछ क्या है ना, ये जो अली अकबर खान साहब, ये जो सब महान महान कलाकार जो दो नहीं बन सकते हैं, अली अकबर खान साहब कहो, विलायत खान साहब कहो, रविशंकर जी, अमजद अली खान साहब, शिव कुमार जी, हरी जी, रईस खान, ये सब सितारिया, वही सब गंगूबाई जी बोलो, ये भीमसेन जी, ये दो नहीं होता है, एक ही होता है। तो इन लोगों का साथ बजा के क्या हुआ, बहुत एक्सपीरियंस मिला और इन लोगों को इशारा हम फॉलो किया, बिल्कुल मत उनको म्यूजिक मत बिगड़ो, अपना तबला जैसे बजेगा मत बिगड़ाना है उनका उनका म्यूजिक, खाली इससे चलना है। अभी जो का जनरेशन, हमारा जनरेशन का जो म्यूजिशियन है, उन लोगों के साथ तो बहुत मस्ती और पानीपुरी और अपना खेल वोल सब होता है, ताश सब अपना चेज, और तो उनके साथ स्टेज पे भी वैसा अंडरस्टैंडिंग होता है ना जी जी। लेकिन रविशंकर जी का साथ वो नहीं होता है, अमजद अली खान साहब का साथ नहीं होता है, क्योंकि ये लोग बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों का साथ विलायत खान साहब के साथ संभाल के और समाज के समझदारी से क्या कंफर्टेबल फील करते हैं वो लोग, वो समझ के इसी तरीके से काम करना है। ये तो इन लोगों का साथ रह रहे के बजा बजा के सीखा, हम लोगों का शिक्षा हुआ, सभी तबला वादक का, कोई माने या ना माने ये मानना पड़ेगा, जो हम लोग इन लोगों से शिक्षा लिया, बजाया नहीं, बहुत बजाया, मगर ये शिक्षा गुरु जैसा तबला का शिक्षा देते, ये लोग दूसरा शिक्षा देते। तो रईस खान साहब एक बार क्या हुआ, अपना बॉम्बे में, ये 90 का बात हो, 88 का बात होता है, सुबह का कॉन्सर्ट था, मियां की ठोड़ी बड़ा बहुत अच्छा बजाते थे, तो दो कर दिया मेरा तबला, इतना अच्छा लगा उनका मूड पे, और सारी म्यूजिशियन बॉम्बे का वहां थे, तो ये बोला हा हा क्या, उन्होंने अति विलंबित लय का गत लिया, और मैं जब मौका मिलते थे बस थोड़ा थोड़ा पेशकार अंक का दिखा रहे, देखा बट नहीं पसंद करते हैं वो लोग, जो अपना क्या घर पे घर से प्रैक्टिस करके आया वो मैं बजाऊ धीरे धीरे के अच्छा है, वो नहीं दिखाने का, जब मौका मिलेगा तब दिखाओ। तो झाला में क्या हुआ, और मैं बहुत तबला मिलाते थे उस दिन, तबला एक एक दिन होता है क्या, सारे इंस्ट्रूमेंट आप तो देखा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो स्टेज के ऊपर एक एक दिन बहुत बिगड़ जाता है, बिल्कुल। तो इतना तबला उस दिन मिलाने लगा, तो खान साहब का ठीक लगा, ठीक लग रहा है, बार बार मुझे बोला ठीक है, तो फिर मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, तो फिर झाला चल रहा था यार, बड़ा सुकून से झाला चल रहा था, रईस खान साहब का झाला सबको पता है, तो एक बार सितार उतार दिया, बोला ऐसा नादिन दिन ना हिंदुस्तान में और कोई नहीं है, ऐसा बोल दिया, बहुत तबला वादक भी बॉम्बे का था वहां, तो मैंने बोला नहीं आपका आशीर्वाद है, बोले नहीं कुछ आशीर्वाद नहीं, ये तो मेहनत की चीज है। तो क्या हुआ, मेरा बहुत देर तक झाला चला, और मैंने अचानक देखा मेरा हाथूड़ी नहीं है लेफ्ट तरफ में, तो ठीक है झाला चल रहा था क्या करे, चलो उसे ही मैं घुमा घुमा के ऐसा बजा रहा था, फिर खत्म हुआ, फिर रईस खान साहब ने बहुत हंसने लगा गिरनों में, तो मैंने पूछा क्या हुआ अंकल, बोला ये तो हाथ मुझे, मैंने बोला ये क्या है, मैं मेरा खो गया था वहां, बोला नहीं तुम इतना मिला रहा था और तबला ठीक था, तो मैंने सोचा अरिंदो का हाथुड़ी वहां से गायब कर दे तो वो मिलाएगा नहीं, तो ये सब छोटा छोटा होता है। रवि जी के साथ मैं फ्रांस जा रहे थे लंदन से जी,
तो बिजनेस क्लास में था तो खाना दिया तो कुछ नाश्ता खा रहे थे तो मेरा वो फोर्क अपना राइट हैंड में हो गया गलती से और लेफ्ट हैंड में नाइफ हो गया। तो ऐसा देखा रविशंकर जी ने और मेरा हाथ से वो उल्टा कर दिया, बोला अनिंदो ये फोक तो बाएं हाथ में लेना चाहिए ये सब। तो ऐसा बहुत बहुत कुछ हुआ था। और एक ताल बताया कोई आर्टिस्ट ने, अलीम जफर खान साहब ने एक बार बोला आज 11 मात्रा बजाएंगे, फिर मैंने गत देखा ये 11.5 मात्रा क्या है, तो फिर 11.5 मैंने बजाया पूरा कॉन्सर्ट 11.5 आधा घंटा बजाया। तो हंसने लगा, बोला मैं तुमको हटाने वाले थे मतलब कुछ तो बहुत मजेदार थे कोई कोई आर्टिस्ट, बहुत बहुत ही मजा करते थे। दादा मैं इसी सवाल पे आने वाला था, कॉन्सर्ट अच्छा होता तो और ज्यादा मजा आता। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं इसी पे आने वाला था। आपने कहा 11 मात्रा और बल्कि 11.5 मात्रा, जैसे वोकल में होता है कि उस्ताद लोग कहते हैं कि भाई ये राग यमन है और इसमें ये थोड़ा सा बदल दो तो ये राग फलाना हो जाता है, ये राग इसी में थोड़ा सा ये कर दो तो राग ढिकाना हो जाता है। तो क्या तबले में भी जो आप लोग की जो ताल, मतलब ये मैं जिज्ञासु के तौर पर ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो तबले में भी है कि 11 ताल मात्रे क्या है, 11.5 मात्रा है, इसमें ताल बेसिकली है क्या, कैसे आप ये सब चीजें होती हैं, ये कैलकुलेशन कैसे होता है? कैलकुलेशन ये तो है मैथमेटिक्स जी। मैं मैथमेटिक्स में बहुत ही बुरा था स्कूल में, लेकिन वो मैथमेटिक्स और तबले का मैथमेटिक्स एक नहीं है। मैंने सोचा तबले में भी मैथमेटिक्स में गड़बड़ करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, मैथमेटिक्स मेरा खेलता है अच्छा दिमाग में। लेकिन मैथमेटिक्स में मैं ज्यादा से ज्यादा पास हो जाता था। तो ये है 11 मात्रा, 13 मात्रा, 15 मात्रा, ये सब अच्छी ताल है, ताल तो बहुत अच्छी है, लेकिन ताल को जो कैरेक्टर है उसको फॉलो करना चाहिए। और क्या है तिंताल, जो राजा ताल है, तिंताल को अच्छी तरीके से सोचना और सुनना और एनालिसिस करने को जिनको आता है उनका कोई ताल कष्ट नहीं होगा, बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रूपक देखो उसका डिवीजन 3-2-2 होना चाहिए, 12 मात्रा का एक ताल 4-4-4 में जाना चाहिए। तो और तिहाई का जो बात है वो तो कैलकुलेशन है, वो तो सभी ताल में तिहाई हो बन सकते हैं, वो तो कुछ नहीं, दमदार होता है बेदमदार होता है ये तो होता है, लेकिन कैलकुलेशन जो 11 मात्रा है उसको क्या है, बिकॉज इट इज 11 बीट्स तो सवारी होना ही चाहिए। क्योंकि धींदार धींदार धीरे ये लास्ट 3 मात्रा तो होगा ही ऐसा। तो 15 मात्रा पंचम सवारी वो तो जाएगा 3-4-4 और 3-3 मात्रा का सवारी होता है। तो इसको कैरेक्टर राग के कायदा बजाना चाहिए और रेला बजाना चाहिए। कॉम्पोजिशन तो रचना होता है, वो तो फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, और जो तिहाई बनता है वो उपज होता है ना, जो हम लोग स्टेज के ऊपर कलाकार उपज अंग बजाता है इंस्टेंट, जिसको इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, इंस्टेंटली क्या होगा हाथ से वो खुद का भी मालूम नहीं, पता नहीं। तो वो क्या होता है, कैलकुलेशन दिमाग में चलता है, जो यहाँ मुझे खत्म करना है तो फिर तिहाई आएगा 3 बार, इसको करना चाहिए घर पे और कुछ नहीं। 3 ताल जिनको आया आ गया उनको सब ताल आ गया, मेरे ख्याल में तो ये है। नहीं दादा ये प्रश्न दरअसल मैंने इसलिए पूछा कि कई कार्यक्रम मैंने ऐसे देखे हैं जहां कलाकार कहता है कि अगर इस चीज को अजराड़ा घराने वाले बजाते तो ऐसे बजाते, इस चीज को अगर पंजाब घराने वाले बजाते इसी चीज को तो ऐसे बजाते, या इसी चीज को दिल्ली घराने वाले बजाते या फरुखाबाद घराने वाले बजाते तो ऐसे बजाते। तो क्या जो ताल है या तबले पे जो आपकी थाप है, जैसे किशन महाराज के बैठने का तरीका बहुत सब लोग जानते हैं, एक अनोखा तरीका था, घुटने के बल बैठते थे, तो क्या वो थाप भी अलग अलग होती है, उसमें भी कोई डिफरेंस होता है घराने के हिसाब से? घराने की तो जो हमारे पास 6 घराना है उसका अलग अलग कैरेक्टर है, उसको तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है, इसको तो रिप्लाई अच्छा से विद्यार्थी को देना चाहिए और हमारे
म्यूजिक लवर्स को, मगर जो ताल है आप देखो 100 से भी ज्यादा ताल है ना। साता एक बार तो मैंने सुना रविशंकर जी और केशव और अब्बा जी का कलकत्ता में शिखर ताल 17 मात्रा काफी, वो उन्होंने आधा घंटा 40 मिनट्स बजाया, ज्यादा नहीं। तो ऐसा ही होता है, देखो तीन ताल उस्ताद पंडित ने तीन तीन चार चार घंटे बजा के किया विदाउट रिपीटेशन। तो ताल के बारे में कुछ फर्क नहीं होता है घराना में, वो तो फरुखाबाद घराना में भी झापताल का जो तिहाई होगा वो बनारस घराना में भी वही तिहाई होगा, उसका डिवीजन होगा। घराना का तो है, मैं देखिए मैं मेरा गुरु चार घराना सीखा, पंजाब सीखा, फरुखाबाद तो है ही, मसीद खान साहब, तिरुका खान साहब, ये सब तो वहां से लखनऊ, फिर लखनऊ का आदान प्रदान हुआ था ना फरुखाबाद घराने का हाजी विरायत अली खान साहब का, तो लखनऊ सीखा, अजराड़ा इनाम अली खान साहब से सीखा। तो इसलिए हम मेरा चार घराने का तालीम है, उसको पता चलना चाहिए। जो ये देखो अजराड़ा का स्टाइल में बजा रहे हैं, लेकिन अजराड़ा के स्टाइल में कुछ पंजाब का चीज बजा नहीं सकते। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पंजाब का जो स्टाइल है उसका शेप ही अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसको बजाने का तरीका अलग है, इंटोनेशन अलग है, और सबका बनारस में ज्यादा परान पखावाज का और गते और अपना डांस का बातें और वो सब खुला अंग का बातें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली में, दिल्ली तो मादार घराना है, दिल्ली घराना का हाथ में होना चाहिए दो उंगली का चीज और किनार का, और ये सब दिल्ली का पास ही है अजराड़ा। देखिए हबीबुद्दीन खान साहब भी दिल्ली सीखा नातू खान साहब से, तो अजराड़ा में आया है, अजराड़ा बाज तैयार किया। अभी क्या है, रविशंकर जी ने मुझे बोला तो अपना गुरु जैसा किया ज्ञान बाबू ने, अपना तो कलकत्ता घराना बनना चाहिए। मैंने बोला हाँ वही तो, उनका देखो एक से एक इतना मन, जैसा लेजेंडरी तबला प्लेयर सब, तो इसको सिर्फ हर घराना को आप बजाना चाहते हो तो अलग अलग उसको एनालिसिस और उसी घराना को सुनना चाहिए या सीखना चाहिए कैसे उसका तरीका होता है। एक ना का ही कितना किस्म का हो सकता है धीन, ये धीन में ये थिरकुआ खासा का धीन सुनो, गड़ान चीज जो है ना, ये हाथ का पोजीशन, हाथ का नेचर और अंगली का प्लेसिंग, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। दादा बहुत अच्छी तरीके से आप समझा रहे थे, और इसीलिए ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आजकल कुछ तो कोरोना में भी हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन उससे पहले भी ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। एक तो तरीका ये है कि मान लीजिए मैं आपसे ऑनलाइन अभी सीख रहा हूँ, यहाँ मेरे पास भी तबला है और आपके पास भी तबला है, मैंने कुछ मेरी उंगली की पोजिशन या कोई चीज गलत हुई तो आपने तुरंत कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है। एक और ट्रेंड भी है जहाँ पे वीडियोज है कि ये ट्यूटोरियल है, ये इसको आप देख लीजिए और तबला बजाना सीख लीजिए, जहां कोई गुरु नहीं है। आपको लगता है कि वो तरीका सही है, क्योंकि उसमें अगर एक बार चले गए और कुछ गलत सीख लिया तो फिर तो उसको, उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। मतलब मालिक तो आजकल जितना तबला सब बजाते हैं मार्केट में सब ही मालिक है, मालिक बन गया, लोग नहीं कहते लेकिन अपने आप को कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन क्या है जिसका गुरु नहीं है, गुरु कुछ नहीं, वो कहीं से एक वीडियो रिकॉर्डिंग सुन के कुछ नहीं होगा, वो तो डस्टबिन में जाएगा। तो अच्छा मतलब गुरु के पास तो सिखाना चाहिए और गुरु को ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं है आजकल। देखिए हमारा जमाना में नहीं तो एक टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, खरीदने का पैसा नहीं था, लिख लिख के एक्सरसाइज बुक में सीखा। तो और यहाँ याद रखना, आजकल तो दुनिया में देखिए मैं अच्छा कुर्ता पहनते हैं, वो कैसे पहनते हैं वो भी यूट्यूब में चला गया। हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे वो भी यूट्यूब फेसबुक में चला गया, ये कितना इजी हो गया। तो ऑनलाइन ठीक है, जब तक आप ऑनलाइन में
ठीक से डेडिकेशन से सीखो। तो अभी 2 साल तो मैं भी कितना सिखाया ऑनलाइन मेरा सब सगरेत को, तो ऐसा हुआ जिनको तबला ही नहीं आता है, ना से शुरू होता है उनका मुश्किल है, क्योंकि उनका फिजिकली टच होना चाहिए गुरु के साथ, जो कहाँ क्या होगा उनके लिए ठीक नहीं है। मगर जिनको तबले का बोल पता है उनको फिंगरिंग और सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो बस भाई ऐसा करो और भी तो कोई वीडियो मिल गया एक रेला किसी का, चलो समझो जाकी पे मैं चक्रधर बजाए वो ले लिया, इससे कभी नहीं शिक्षा होता है। जब तक गुरु नहीं सिखाए विकास कैसे होगा, तक उसका असली है अपने हम डिपेंड्स। कोई समझते हैं हम उस्ताद बन गया, कोई समझते हैं मेरा कुछ नहीं हुआ, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा दादा एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप, नहीं मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप तबला बजाते हैं या गाना गाते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता दादा, मैं सिर्फ संगीत का प्रेमी हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा, और थोड़ी बहुत चीजें पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों से बातचीत करके बहुत कुछ सीखता हूँ। अरे आप जैसे संगीत प्रेमी है इसी तो हम लोग कलाकार तो यही चाहते है, जो आप लोगों के लिए हमारा जो शिक्षा मेहनत और साधना हुआ वो किस लिए क्या करना है, आप लोगों के लिए करना है ना, खुद घर पे नहीं बजाने का, वो तो रियाज करने का है, 30 साल 40 साल रियाज करो फिर उसके बाद। तो अभी क्या होता है बचपन में बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट है हमारा हिंदुस्तान में, लेकिन ये टैलेंट खो भी जाता है इसलिए ठीक ठाक गुरु नहीं मिलता है, और अपना फैमिली में भी संस्कार शायद कम होता है, सपोर्ट कम होता है, और खुद बन जाते मेरा लड़का के क्या उस्ताद बन गया, देखो कितना वहाँ यहाँ उधर उधर सब प्रोग्राम बजाया और इनके साथ फोटो लिया उनके साथ फोटो लिया, देखावट हो गया। तो पहले का उस्ताद पंडित देखावट नहीं, गुलावाली खान साहब आमिर खान साहब कभी ऑडियंस को देखते ही नहीं थे, ऐसा सर झुका के गाना गा के सब चौपट कर दे के चला जाते थे। तो ये म्यूजिशियन कहाँ मिलेगा, विलायत खान साहब कहाँ मिलेगा, ये जमाना बदल गया। अभी हमारा ये जो इसका जो कंप्यूटर का जो साइंस इतना इम्प्रूवमेंट इससे बहुत अच्छा हुआ, लेकिन म्यूजिक संगीत इसी चीज है जो अपना बंदिश बोलो या तबले का बोल बोलो वो कुछ नहीं, वो तो है लेकिन अपना फीलिंग और अपना अपने को समर्पण सरेंडर और अपने को झुकना, और जीवन में मतलब उस्ताद नहीं बनने का है, स्टूडेंट बन के रहे ना, ये जब रहेगा वो तब हो सकता है। अच्छा दादा 2-3 छोटे छोटे सवाल और हैं मेरे, और एक तो आपने मेरा तो यही लॉजिक है। जी 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 मैं ये कहता दादा 2-3 सवाल छोटे छोटे और हैं, और अभी आपने बड़ी अच्छी संस्कार की बात कही, ये कितना जरूरी है कि आप भले ही खुद तबला बजाते हो लेकिन आप एक शास्त्रीय गायक अगर है तो उसका भी सम्मान करें, अगर कोई सितार वादक है उसका भी सम्मान करें, अगर कोई कथक डांसर है उसका भी सम्मान करें, और अपने साथ के तबला वालों का तो सम्मान करें ही, यानी बाकी कलाओं को भी उतना ही सम्मान देना अप्रिशिएट करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, दूसरे कला को सम्मान और प्यार नहीं करने से अपना कला को कोई नहीं प्यार करेगा। मैं अगर समझिए मैं बजा रहा हूं और ऑडिटोरियम के बाहर कोई पेंटिंग कर रहे हैं, अच्छा पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो जो पेंटर है वो भी म्यूजिशियन नहीं है, वो आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूं, तो उनको इतना ही प्यार करना चाहिए सम्मान करना चाहिए जो उनका कला में वो ग्रेट है, उनका कला में ग्रेट है या नहीं है, उनका कितना कोशिश है रियाज और स्टेमिना और अपना डेडिकेशन, ये सबको सम्मान करना चाहिए, बड़े को ऑलवेज सम्मान करना चाहिए। देखिए किसी का तेरे कटे अच्छा
कम होता है थोड़ा, किसी का धीरे धीरे ज्यादा होता है, किसी का उससे धीरे धीरे ज्यादा होता है, किसी का चार घराने का तालीम होता है, किसी का एक ही घराने का तालीम होता है, छोटा बड़ा नहीं है, कम ज्यादा नहीं, मतलब जो साधना किया उनको सम्मान और प्यार होना चाहिए, मिलना चाहिए। और एक बात है जो अपना इसी पॉइंट में मैं आपको बताता हूं, आपने पूछा नहीं, देखिए सबके हमारे पैसे का जरूरत है, खाने पीने का जरूरत है, घर का जरूरत है, गाड़ी का जरूरत है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये है, ऐसा है जो फिनेंशियली सब लोग जो ऐसा इतना नहीं होता है, मैं भी देखा जो फिनेंशियली बहुत वीक ऐसा भी लेकिन गिफ्टेड म्यूजिशियन था, लेकिन उनका हुआ नहीं कुछ, क्यों नहीं हुआ, वो कुछ एक 1% लाख होता है। मैं भी बहुत बहुत ही मीडियोकर फैमिली से हूँ, मेरा भी एक दिन ऐसा था क्या खाएंगे पता नहीं, पैसा कैसे आएगा परसों नहीं था, लेकिन मेरा सपोर्ट था मेरा चाचा का, और मैं भी 15-16 साल से पैसा कमाने का मतलब इच्छा नहीं था लेकिन करना पड़ा, वो स्ट्रगलिंग था, लेकिन वो स्ट्रगलिंग पीरियड क्या गुरुजी ने कहते थे स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करना तो अच्छा होगा, इसलिए मुझे नकली बहुत मिले थे, टेलीविजन में मिले थे, संगीत रिसर्च अकेडमी में मिले थे, गुरुजी ने मना किया जो तुम अभी भी स्ट्रगल करो, क्योंकि ये है ना, आई डोंट नो दैट कैन आई सर्वाइव और आई विल डाई, तो इससे एक जॉब ले ले 50,000 मिल जाएगा महीना में, तो ये तो रिस्क है, एक तो ये रिस्क है, वो रिस्क जो ले सकते हैं उसका स्टेमिना से हो सकते हैं। तो मैं आज समझता हूं जो मैं कॉलेज बैचलर डिग्री किया लेकिन जॉब नहीं किया, संगीत में हो गया मतलब मैं खाने पीने का हो गया, अभी बाकी है, मैं 20 साल छोटा होता तो और रियाज करता, ये नहीं तो सभी ये मैं दुख दुख होता हो मेरा, जो कोई कोई बहुत लोग विद्यार्थी भी है तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्योंकि ये सोशल नेटवर्क में बताना चाहता हूँ सभी गुरु का, जो कुछ बच्चे को तो फ्री सिखाना चाहिए जिसका गिफ्ट है, अपना पैसे तो मिल गया अपना, देखो हम लोग जो एस्टेब्लिश हो गया हमारा दाल रोटी का तो नहीं बजाने से भी मिल जाए, तो क्या ड्यूटी है आपका निशान के प्रति, क्या ड्यूटी है, व्हाट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर कंट्री फॉर योर नेशन, ये ड्यूटी है जो उनको आगे बढ़ाओ, आप जैसा बढ़ाओ ऐसा बढ़ाओ, तो ये सब गुरु को आना चाहिए सामने, जो मैं 10 गिफ्टेड लड़का को मैं फ्री सिखाऊंगा, चलो पैसा नहीं है, गवर्नमेंट से हेल्प थोड़ा उनको मिल जाए, स्कॉलरशिप तो अच्छा है मिलता है, गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलता है, तो ये देखिए शिवेंद्र जी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अपना नेक्स्ट पीढ़ी के लिए नेक्स्ट जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन क्या कैसे रहेगा हमारा संगीत, तो गुरु को जो गुरु देखिए ऐसा तो बहुत लोग आज नहीं है बीच में, जो भी है हम लोग इन लोगों को अभी ड्यूटी है जो नेक्स्ट नेक्स्ट को लाओ सामने लाओ दादा, बस मेरे ख्याल के लिए, लेकिन मैं अकेला कर नहीं सकता हूं। जी जी, आखिरी सवाल मेरा दादा यही है, आपने बहुत अच्छे एंड पे हम लोग ये इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, जो नए प्लेयर्स तबला बजाना शुरू कर रहे हैं जो 35-40 साल की उम्र के हैं, उनको अगर आप बता सकें कि जब वो सोलो में जाएं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए और जब वो संगत करें क्या ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी टिप्स जो उनके लिए जीवन भर का एक आप जैसे गुरु से उनको जानने को मिल जाए, क्या माइंडसेट होना चाहिए दोनों में अलग अलग? 30-40 में क्या होता है, थोड़ा हड्डी मसल तो थोड़ा स्टीफ होता है, ये तो सिंपल है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है तैयार बजाना, बचपन में सब लूज रहते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन 35-40 साल के उम्र में तबला शुरू कर सकते हैं और गुरु के पास सीखो और उसको कॉम्पैक्टनेस बनाओ, जो 4 कायदा मैं बजाऊंगा 10 गाते बजाएंगे
पांच रेला बजाएंगे, सीखेंगे, रियाज करेंगे, और उससे मैं आधा घंटा 40 मिनट्स के लिए एक कॉम्पैक्ट तबला सोलो तैयार करेंगे नगमा के साथ करके प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के लिए तैयार होना और एकॉम्पेनिमेंट के लिए उनका काम ना बिगड़े ठेका अच्छा से देना है, ठेका बहुत क्लियर क्लैरिटी होना चाहिए ठेका का। और जब जब वो बजाने देते हैं वोकल के नहीं इंस्ट्रूमेंट के साथ, तब थोड़ा वो जो चाहते हैं चाहे उसको उनको पूछो क्या चाहते हैं, तो उसी बजाना है वो थोड़ा वो अपना चीज है संगत। मैं तो कहते ही सोलो ये बैचलर लाइफ और मैरिड लाइफ देखो, बैचलर लाइफ तो सोलो का है, हम कहीं पे कपड़ा छोड़ के कहीं पे खाना के प्लेट लगाते हैं, ये चाय का कप चाय लेके फिर छोड़ देते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में ये नहीं होता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक ठाक जगह में ठीक ठाक रखो। तो ये कॉम्प्रोमाइज एकॉम्पेनिमेंट के लिए है, ये तो अपने आप को थोड़ा झुकना पड़ेगा। आप सोलो बजाओ किंग राजे के राजा के तरह बजाओ, लेकिन 35-40 में शुरू करने में भी मैं दिखा सकता हूं 10 साल में एक किसी को जो 10 साल में अच्छा तबला बज सकते हैं। मतलब देखिए शांता प्रसाद नहीं हो सकते है, तेरे को खास साहब तो छोड़ ही दो, लेकिन उसके लिए ठीक है ठीक बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने वाकई बहुत सारी बातें सीखने को फिर मिली, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जैसे सहज कलाकारों से बात करने का यही लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद बधाई है, और आपको ये YouTube चैनल जो राधा गिरी बहुत धन्यवाद। और मैंने देखा नहीं कभी, मेरा ज्यादा टेलीविजन नहीं देख, मतलब टेलीविजन नहीं हो, ये नहीं आता है सेलफोन, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है, लेकिन मैं देखूंगा। आपने बहुत लोग कलाकार को दिग्गज को किया और मैं बहुत आई एम डिलाइटेड जो आपने मुझे बुलाया, और मैं बधाई देता हूँ आपको और सारे दर्शक को, सारे ऑडियंस को। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।